शांति। आज की तारीख है 25/10/15 और आज की ज्ञान मुरली हम सुनेंगे मीठे मीठे प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे अव्यक्त वतन निवासी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली और तारीख है 6/2/80 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है अशरीरी बनने की सहज विधि। कितनी वंडरफुल बात है कि हम हैं ही अशरीरी आत्मा, फिर भी आज हमें उसकी विधि सीखनी पड़ती है, विधि जाननी पड़ती है और उस विधि से स्वयं को अशरीरीपन का अभ्यास कराना पड़ता है, जो कि वास्तव में मेरा अपना स्वरूप है। तो आइए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा हमें क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि आज कल्प पहले वाले सिकी लदे अति लाडले स्नेही और सहयोगी शक्ति स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों के साथ ही रहते हैं। देखो मीठे मीठे बाप दादा कितना विश्वास दिलाते हैं जो बाबा की सेवा में और कार्य में सहयोगी हैं। सहयोग और स्नेह का अटूट धागा सदा अविनाशी, सदा अविनाशी है। आज वतन में बाप दादा अति प्यारे प्यारे बच्चों के स्नेह की माला बना रहे थे। स्नेही तो सब हो, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। आज हरेक बच्चों की विशेषताओं के आधार पर नंबर बना रहे थे। कई बच्चों में विशेषताएं इतनी ज्यादा देखी जो बिल्कुल बाप समान समीप रत्न देखे। कई बच्चे विशेषताओं को धारण करने में मेहनत करने वाले भी देखे, जो मेहनत देखकर बाप को भी रहम आता है कि मेरे बच्चे और मेहनत, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत अशरीरी बनने में देखी। अच्छा, ऐसे सदा प्रीत निभाने वाले, सदा सच्चे मीत के साथ रहने वाले, सदा प्राप्तियों और गुणों की महिमा के गीत गाने वाले, सदा सेकंड की यथार्थ रीत के द्वारा सहज योगी बनने वाले, ऐसे सदा रहम दिल, मुश्किल को सहज बनाने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो वरदान है निर्विघ्न स्थिति द्वारा प्रीत रीत मीत और गीत, इसमें भी निर्विघ्न स्थिति हो हमारी, तो निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विथ ऑनर भव। बाप कहते हैं जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत काल की शक्तिशाली
निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विथ ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। स्लोगन है आज का, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः ही दुआएं प्राप्त होंगी। अच्छा, ओम शांति।